हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी तरीके से उनको चोट लगी है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अब मैं नाश्ता वगैरह करके नहा के बैठी हूँ। जो 8 दिन हो गए मैंने हेयर वॉश नहीं किया, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है ना, तो हेयर वॉश घर पे नहीं कर सकती थी क्योंकि बैठ नहीं सकती ना मैं, तो इसीलिए। तो अब मैं जा रही हूँ, हमारे ना घर के बिल्कुल सामने सैलून है, मम्मा कहते हैं वहीं पे चल, वहीं से हेयर वॉश करा देती हूँ तेरा। तो मैं और मम्मा जा रहे हैं अभी सामने सैलून में, सिर्फ हेयर वॉश करा के आती हूँ। ये है मम्मा का घर और बिल्कुल सामने है सैलून, वो देखा। तो मम्मी अभी आ रहे हैं, तो जा रही हूँ मम्मी के साथ। बहुत गंदा हो गया मेरा हेयर, तो मैं हेयर वॉश करा के वापस आ रही हूँ घर। मतलब वहाँ से 2 सेकंड का भी रास्ता नहीं है और पूरे 5 मिनट लग रहे हैं मुझे घर जाने के लिए। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं और जनक आए हुए हैं अभी हॉस्पिटल में, क्योंकि जनक का हो गया था एक्सीडेंट 2 दिन पहले, और मैं हूँ अपनी मम्मी के घर, आप सबको पता ही है। तो अभी मैं एक्सरे के लिए लेके आई थी इनको, अभी एक्सरे कराया, उनका पूरा मांस फटा हुआ है। तो इनका एक्सरे हो चुका है, अभी ज्यादा दर्द हो गई, अभी ये सोच रहे हैं कल नेपाल जाएंगे। कैसे लग रहे हैं? थोड़ा ठीक लग रहा है? ये देखो कितना लगा हुआ है, ये देखो कितनी बुरी तरीके से उनको चोट लगी है, बहुत ज़्यादा लगा है, और पूरे पूरे नीज में भी सब लगा हुआ है। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। चलो होप करती हूँ कि आगे के दिन अच्छे हों। तो अभी हम एक दूसरे का ही ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि मेरा भी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है उसका। अभी इनका एक्सरे वगैरह तो सब हो गया, तो अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे नारियल पानी। ये तो मेरे से भी ज़्यादा आइया आइया कर रहे हैं, क्योंकि जितना मेरा दर्द है ना उससे तो इनका काफ़ी कम है। जो ये रगड़ा हुआ होता है ना, वो बहुत पेन होता है, मुझे पता है। हाँ, जो ये सड़क में रगड़ा हुआ होता है उसका दर्द ही कुछ अलग है। और जिसकी बॉडी काटी होती है, जैसे 50 सुई लगे हो इस हिसाब, और जिसको 50 सुई लगे उसका क्या? मैं बैठ नहीं सकती, मुझे इतने इंजेक्शंस लगे हैं, मैं बैठ नहीं पा रहा। बैठ, अभी हम पी रहे हैं नारियल पानी, इनको पिला के लेकर जा रही हूँ। हस्बैंड को गाड़ी में बिठा के मैं आई हूँ अभी। कल आयुष का ना योगा का कंपटीशन है, उसने कहीं बाहर के स्कूल में जाना है कंपटीशन के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान कलेक्ट करने आई हूँ। सो गाइस, अब हॉस्पिटल से हम घर आ चुके हैं और जनक भी घर इधर आकर घर जा चुके हैं, उनको रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला। उनका ना 2 दिन पहले ना उनका एक्टिवा से एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे लगा, उन्होंने मेरे को इतना ही बताया कि मेरे हैंड पे लगी है, तो वो रेस्ट करे, उन्होंने ना मुझे वीडियो कॉल भी नहीं करी थी, तो मुझे लगा शायद छोटी मोटी चोट लगी होगी, तो मैंने भी इस चीज़ को लाइटली लिया। लेकिन जब वो मुझसे कल मिलने आए, तो उनको तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और वो कहते कि मेरा हाथ नीचे भी नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद मैं ना आज उनको फटाफट हॉस्पिटल ले गई, और जब हाथ नीचे नहीं हो रहा था, उन्होंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी, कोई टेटनस का टीका भी नहीं लगाया, जबकि इतना ज़्यादा लगा हुआ था लेग्स पे, नीज पे, मतलब 1 साइड पूरा रगड़ा हुआ था उनका। तो जब मैंने देखा, वो कहते टेटनस का टीका भी नहीं लगाया, मेडिसिन भी नहीं लिया, सिर्फ पेन किलर लिया हुआ था इन्होंने। तो मैं फटाफट जब लेकर गई और पूरा एक्सरे कराया था, उसमें डॉक्टर ने कहा कि इनका पूरा मांस फटा हुआ है। तो फिर उन्होंने इंजेक्शंस वगैरह लगाए और एक्सरे वगैरह सब कराया, तो उसमें पता लगा। तो अभी उनको 1 वीक की मेडिसिन लेके दी है, तो अभी वो घर चले गए हैं। फिर मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी घंटे वेट करने पड़े। मतलब मुझे लगता है 2 से 3 आवर्स मैंने वेट किया था। हम लोग कितने बजे गए थे मम्मा? 10 बजे है ना? हाँ, 10 बजे हम 10-10:30 बजे गए थे, तो हमारी बारी आई 2 बजे जाके। फिर उसके बाद जब बारी आई तो काफ़ी आवर्स मुझे बैठना पड़ा, तो और मैं थक गई। मेरे जो सर्जरी हुई है ना, उसने स्टिचेस बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे,
तो इसीलिए अभी भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने डॉक्टर से फिर भी पूछा कि मैं कितने दिन तक काम कर सकती हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी 1 मंथ तुझे पूरा रेस्ट करना पड़ेगा। गाइस घर बैठना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और आपको मैं बताऊँ मैं कितने सालों बाद मायके रहने आई हूँ, मेरी माँ बताएंगे ये मैं कितने सालों बाद आई हूँ। मम्मी बताना मैं कितने सालों बाद आई हूँ। 11 साल। हाँ 11 साल के बाद। 11 साल या 12 साल हो गए, आयुष 12 साल का है। मिलने तो आती रहती थी, रात को रहने नहीं आई थी। कभी रहने नहीं आई मतलब? हाँ कभी रहने नहीं आई, अब आई है। मेरी बेटी मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चे भी सब खुश है, अच्छा लग रहा है। बेटी आगे रह रही है मेरा मायके में। सच्ची बताओ मम्मी तो ना पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं, पूरा पूरा दिन बस ये खा वो खा। तो गाइस मैंने सोचा कि ऐसे टाइम पे बिरला बैठने से बेटर है कि सबको ट्रेनिंग दिया जाए, और थोड़ा मन भी लगा रहता है क्योंकि इसी बहाने सब इकट्ठे रहते हैं मेरे पास। और ये यहाँ पे लगे हुए हैं, देखना आज मेरी माँ भी लगे हुए हैं, ये देखो। ये देखो वो है पुष्पा, वो है मेरी सिस्टर, ये मेरी माँ, वो मेरी भाभी, सब बैठ के अभी हेयर स्टाइल सीख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ 15 डेज में सबको ट्रेंड कर दूँ ताकि सबको लेके जा सकूँ अपने काम पे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट बोला है और रेस्ट के टाइम पे मैं ये करा लूँगी और सबसे काम करा लूँगी। तो गाइस तो ये आ गई हमारी प्रीति प्रीति गर्ल। वैसे तो है ये बॉय पर ये लगता गर्ल है क्योंकि अभी जैसे इसने पिंस भी लगाई है मेरी ऐसे। ओहो हाय करो सबको, हाय कर दो, बाय कर दो सबको, बाय कर दो गौरीश, सब चीजी देंगे फिर, बाय कर दो सबको, कर दो ना। हाँ बाय कर रहा है ये सबको। और आज है इसका बर्थडे और आज ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया इसका, पर हम केक नहीं काट सकते हैं, सेलिब्रेट नहीं कर सकते, पर बुआ डेफिनेटली अगले साल 2-2 केक काटेगी इसका। और ये पूरा खेल रहा है इस टाइम, ओ गर्म लगे, देखो आई से कैसे फाइट करता है ये देखना। वो हॉट है बेबी, हॉट है वो। ओहो वो इधर क्या, वो गलत आंटी करो इधर। मेरी तो निकाल श्यामा, श्यामा अब करेगी लड्डूआ। जय करो, जय जय। चुप रहे ऐसे आना था। उसको हेल्प चाहिए, इसको लेके जा रहा है कह रहे हैं। वापस लेके आई गौरीस, शाना। तो गाइस 1 मंथ से हम इसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, हम हस्बैंड वाइफ। मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान नहीं होता है जो कहे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं हम तेरे साथ हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं होता है। वो कहते हैं ना जब वो वक्त ख़राब होता है और उस वक्त में वो टाइम होता है पहचानने का कि कौन अपना है कौन पराया है, किसको कितना दुख होता है किसी के दुख से, इस टाइम से बेटर जानने के लिए कोई टाइम नहीं होता है मुझे लगता है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी आप सबके साथ कि हमेशा हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखें, कोई अपना नहीं होता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होता कि आपके साथ क्या बीत रहा है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट ज़रूर करना।